खबर मिल रही है जहां साहिबगंज बूथ पर हंगामे की खबर आ रही है। पुलिस ने उपद्रवियों की पिटाई कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में मतदान केंद्र पर मतदान को बाधित करने का प्रयास किया गया। साहिबगंज बूथ पर हंगामा हो गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को पीटा है और हालात पर काबू पाया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। किस तरह से मतदान की प्रक्रिया को बाधित किया गया उपद्रवियों द्वारा, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात पर जल्द ही काबू पा लिया। साहिबगंज बूथ पर हंगामे की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर मतदाताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उपद्रवियों को लेकर पुलिस सख्त है। उपद्रवियों को किसी भी तरह से अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। साहिबगंज बूथ जहां उपद्रवी मतदान की प्रक्रिया में रुकावट बन रहे थे, वहां पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों पर बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। तो सुन रहे हैं आप, लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। वो मतदान के लिए साहिबगंज मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, लेकिन उनका आरोप है कि प्रत्याशी के समर्थक मतदान की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे। उपद्रवियों से पुलिस ने सख्ती से निपटा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बूथ पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी। प्रत्याशी के समर्थक द्वारा कुछ मतदाताओं को मतदान देने से बाधित किया गया, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया और पुलिस ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटा। बल प्रयोग कर उपद्रवियों को मतदान केंद्र से खदेड़ा गया। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बूथ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मतदान को बाधित करने का प्रयास किया गया। लोगों का आरोप है कि एक प्रत्याशी के समर्थक द्वारा उन्हें मतदान करने से रोका गया, मतदान की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर वहां मौजूद उपद्रवियों को खदेड़ा। इस दौरान पुलिस के साथ उपद्रवियों की नोकझोंक भी देखने को मिली। नाराज लोगों ने भी पुलिस पर आरोप लगाया कि वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के ना होने का फायदा एक विशेष प्रत्याशी के समर्थक द्वारा उठाया गया और मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। हालांकि जब अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंची तो वहां से उपद्रवियों को बल प्रयोग कर खदेड़ दिया गया। नाराज मतदाताओं को समझा बुझाने का प्रयास पुलिस के अधिकारी ने किया है, लेकिन मतदाताओं की ये नाराजगी देखने को मिल रही है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी नवीन ओझा जुड़ रहे हैं। नवीन, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बूथ पर हंगामा हो गया, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, जानना चाहेंगे क्या हुआ आखिर? जी, साहिबगंज बूथ संख्या 11 है, चूंकि साहिबगंज है और लगातार साहिबगंज सुबह से ही मतदान चल रही थी। हालांकि कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, तो बूथ को कैप्चरिंग को लेकर के पुलिस वहां पहुंची और देखी कि काफी भीड़ था। उसके बाद पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पिटाई किया और उसके बाद से स्थिति सामान्य हो गई। लगातार यहाँ सारे जो भी अधिकारी थे वहां आकर के पहुंचे और आने पहुंचने के बाद पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। जी बिल्कुल, मतदाता भी खासे नाराज दिख रहे हैं। क्या प्रशासन की ओर से जो दावा किया गया था कि हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल है, मतदान में कोई रुकावट नहीं आएगी, उन दावों की हवा निकल रही है यहाँ? जी बिल्कुल, दावे की हवा निकल रही है। हालांकि जो मतदान केंद्र है साहिबगंज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से माना जाता है और वहाँ चूंकि उत्क्रमित मध्य विद्यालय है साहिबगंज में, तो वहाँ वहाँ चूंकि मतदान अंदर में चल रहा था और वहाँ चूंकि लोग वहाँ थे और हंगामा कर रहे थे, इसलिए हंगामा, लोगों का आरोप था कि हाँ वहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही थी और लगातार ये लोग वहाँ के कुछ लोगों का आरोप था कि ये बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। पुलिस वहाँ पहुंची है और पुलिस पहुंचने के बाद स्थिति को देखती है और लगातार पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पिटाई करती है और उसके बाद भी स्थिति सामान्य हो जाती है और उसके बाद यहाँ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कैंप किए हुए थे और उसके बाद स्थिति नियंत्रण में है। जी, मतदान की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है?
जी पूरी तरह से मतदान थोड़ी देर के लिए बाधित था, लेकिन उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई और स्थिति सामान्य होने के बाद पूरी तरह से नियंत्रण में है और लगातार शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। दीपक जी, नाराज मतदाता भी दिख रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं वो, किसके कारण ये मतदान की प्रक्रिया बाधित हुई? जी मतदाता क्या आरोप था कि हाँ लगातार वो तो चूंकि मतदाता है, प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन लगातार बूथ कैप्चरिंग, हालांकि ऐसा नहीं है, चूंकि हमने अधिकारी से भी बात किया, उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई मामला नहीं था, कुछ आपसी रंजिश थी, आपसी विवाद था और जिसको लेकर के लगातार लोग हंगामा कर रहे थे और स्थिति नियंत्रण में कर लिया गया है और पूरी तरह से स्थिति सामान्य बनी हुई। हालांकि थोड़ी देर के लिए पुलिस ने झड़प थी और पुलिस ने लगातार थोड़ी देर तक डंडा भी चलाया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस दौड़ा दौड़ा कर लोगों की पिटाई भी कर रही है, तो थोड़ी देर के बाद स्थिति सामान्य हो गई। जी नजर बनाए रखें, फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद।